Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Learning Never Ends. In my previous videos, I have discussed 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 and question number 1 to question number 7 of exercise 2.5. In this video, I will discuss question number 8 of 2.5 of chapter number 2 of polynomials. You can find my videos according to the playlist. Class 9th maths, class 9th science, class 8th, class 7th. I have made all the playlist accordingly so that you can find it very easily with no wastage of time. And I have already sent all the videos in the description box, so you can find it by the description box also. Now let's start question number 8. Yes. सो क्वेश्चन नंबर 8 इज फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको फैक्टराइज करना है, इट मीन्स आपको एक एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. पहले क्या था हमारा, एक्सपेंड करना था उनको, तो हमने उसको एक्सपेंड किया था. अब वो ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, उसको हमें शॉर्ट में करना है. तो ये कुछ कुछ ऐसा है. देखिए, आइडेंटिटी क्यूब है तो ऑब्वियसली क्यूब होगा, और प्लस का साइन है तो प्लस का यूज़ होगा. तो एक आइडेंटिटी हमारी आपको याद होगा, हमने सेवन्थ क्वेश्चन में किया भी है, सॉरी सेवन्थ नहीं, उससे भी पहले के क्वेश्चन से. सो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, या सॉरी सेवन्थ क्वेश्चन ही था ये, तो मेरी वीडियो देखिएगा आप, उसमें ये आइडेंटिटी यूज़ हुई थी. इस आइडेंटिटी को एक बार और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो 3ab का दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो a से मल्टीप्लाई हुआ तो a इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर बी, प्लस b से हुआ तो 3ab स्क्वायर. तो अब ये आइडेंटिटी ऐसी बन गई है. ठीक है, बस एक स्टेप छोटा सा करना था. अब ये देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो इसकी तरह है, कुछ कुछ चेंज है बस. तो उस चेंज को हमें अटैम्प्ट करना है, उसको सॉल्व करना है, और फिर वो डायरेक्टली हमारा ए प्लस बी की फॉर्म में आ जाएगा. पहले हमारा क्वेश्चन ये होता था और हमें एक्सपेंड करना होता था, अब हमारा क्वेश्चन ये है, हमें इसको सिंप्लीफाई करके छोटा बनाकर लिखना है. राइट, सो ए का क्यूब है, यहाँ पर कोई कॉफिशेंट नहीं दिख रहा, इट मीन्स पूरा जो भी चीज़ है उसका पूरा का होल क्यूब है. राइट, तो एट किसका क्यूब होता है, टू का. 2 × 2 × 2 क्या होता है, 8 होता है. तो ऑब्वियसली हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2a. 8 a के ऊपर तो ऑलरेडी क्यूब है, 2 के ऊपर भी क्यूब लगा दो तो यस, हम 8a क्यूब को लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब. क्यों, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और a क्यूब तो होता ही a क्यूब है. प्लस यहाँ कॉफिशेंट 1 है तो इसमें ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है करने की, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है. नाउ फॉर्मूला में था 3a स्क्वायर b, तो 3 को बाहर निकालो और a कौन सा बचा, ये रहा a, आप यहाँ से भी लिख सकते हो 2a, और b क्या है, b ये है a स्क्वायर b में, तो a का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगाया, प्लस b भी 3 है और a नॉर्मल और b का स्क्वायर है, इस बार फॉर्मूला में b स्क्वायर है तो b स्क्वायर मीन्स b का स्क्वायर. राइट, आप देख भी सकते हैं 2 × 2 क्या होता है, 4 × 4 = 12, तो 12 लिखा हुआ है. सिमिलरली 3 × 2 क्या होता है, 6 होता है, और ए बी स्क्वायर, तो मीन्स हमने कुछ भी रॉन्ग नहीं किया है. बस ईजी करने के लिए पहले हमने ए बी लिख लिया और उसी को ही फॉर्मूला में रख लिया. फिर इसको क्या करेंगे, इट मीन्स अब ये क्या हो गया, ऐसे ही हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर. ये किसका फॉर्मूला था, ए प्लस बी का होल क्यूब का, वेयर ए क्या है, पूरा ये है 2a, और प्लस का साइन है तो प्लस है, बी का क्या है, बी क्यूब, तो 2a प्लस बी का होल क्यूब ये बन गया. राइट, सिमिलरली हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, जो माइनस का है उसमें माइनस वाला मेथड यूज करेंगे, जस्ट लाइक सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज 8a³ - b³ - 12a² b प्लस 6ab² सो जब हम a माइनस बी का होल क्यूब लिखते हैं तो वो होता है a³ - b³ - 3ab और a माइनस बी. अब हम इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, a³ - b³, अब ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 3a² बिकॉज a इंटू a क्या हो गया, a स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस.
थ्री ए बी स्क्वायर, तभी हमारा फॉर्मूला में भी देखिए यहाँ माइनस है हर जगह और यहाँ प्लस आ रहा है। प्लस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में भी प्लस आता है। इट मीन्स ये इससे रिकॉग्नाइज होती है, इसके जैसी है। बस उसमें क्या करना है, कोफिशेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोफिशेंट इसके अंदर मर्ज है, हमें भी मर्ज करना है, राइट। सो एट को अगेन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हम टू ए का होल क्यूब लिख दिया, माइनस है तो माइनस ही रहने दिया, बी का क्यूब लिखा माइनस थ्री, और ए क्या होता है, ए होता है टू ए, ए का स्क्वायर था, बी है बी माइनस प्लस, यहाँ आइडेंटिटी में क्या है, प्लस है ऑब्वियसली, यहाँ भी प्लस है, थ्री इंटू ए बी, ए बी स्क्वायर, राइट, ए बी स्क्वायर, हेयर इट इज ए बी स्क्वायर, सो ए इज टू ए एंड बी इज बी का स्क्वायर। सो अब ये क्या हो गया, टू ए माइनस बी का होल क्यूब हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ थर्ड पार्ट इज 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, बिकॉज 3 × 3 × 3 27 होता है। माइनस 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 क्या होता है, 25, 25 फाइव ज़ा 125, तो 5 ए का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, माइनस 3 ए स्क्वायर बी, राइट, 3 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, और बी, बी क्या है, 5 ए है, बी ए ये है, बी ए, ठीक है, उसकी तरह करना है। माइनस प्लस, यहाँ देखिए आइडेंटिटी में प्लस होता है, तो प्लस यहाँ भी प्लस है, 3 इंटू ए बी स्क्वायर, तो ए क्या है, 3 है, और बी है दिस 5 ए का स्क्वायर, तो इट मीन्स ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब, वेयर ए इज 3 एंड बी इज 5 ए, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट वन इज फोर्थ पार्ट, सो फोर्थ पार्ट इज 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। सो 64 किसका होता है, 8 × 8 = 64 होता है, तो वो तो स्क्वायर होता है ना, तो 64 का क्यूब करने के लिए हम क्या करेंगे, 64 का एलसीएम ले लेते हैं। जैसे हमें नहीं समझ आ रहा तो हम 64 का क्यूब ले लिया, एलसीएम लिया, तो 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 2, 1 × 2 = 12, 2 × 8 = 4 × 2 = 2, 1 × 2 = 2, राइट। सो दीज आर दी टू, ये पहले हम, अगर हमें स्क्वायर करना होता है तो हम दो दो के पेयर्स बनाते हैं, बट हमें क्यूब करना है तो ये क्या बनाया हमने, तीन तीन के पेयर बनाए, क्यूब मीन्स 3, तो एक पेयर ये हो गया 2 और एक क्या हो गया, इसका पेयर हो गया 2 × 2 = 4। अब 4 का क्यूब देखते हैं, 4 × 4 क्या होता है, तो 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, तो इट मीन्स हम इसको 4a का होल क्यूब लिख सकते हैं। माइनस ये 3 का क्यूब होता है, आपको पता है 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो 3a क्यूब माइनस 3 × अब ए स्क्वायर बी, बिकॉज ए स्क्वायर बी होता है फॉर्मूला, आप देख सकते हैं यहाँ 3a² b + 3ab² सो माइनस ऑफ ए स्क्वायर मीन्स 4a का स्क्वायर, क्योंकि a ये है, b ये है, और b 3b, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी कर सकते हैं, प्लस 3ab² तो a इज 4a एंड b इज 3b का स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b + 3ab² तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, वेयर a इज 4a एंड b इज 3b, राइट। सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन, 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p² + 1/4 का p, तो ये 27 p³ को तो आप 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 1/216, अब आपको 216 है तो 216 के लिए आप क्या करेंगे, 216 का एलसीएम लेंगे, फिर उनके 3 3 के पेयर्स बनाएंगे, जैसे 2 1 2
टू एट ज़ा 16, देन टू फाइव ज़ा 10, टू फोर ज़ा 8। यहाँ हमने ज़ीरो क्यों लगाई, कभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है तो आपको डिवाइड आता होगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिएगा प्लीज़। टू टू ज़ा 4, टू सेवन ज़ा 14, देन थ्री देन थ्री थ्री ज़ा 3, 9 ज़ा 27, देन 3, 3 ज़ा 9, देन 3, 1 ज़ा 3। तो इट मीन्स एक पेयर 2 का बना और एक पेयर 3 का, 2 एंड 3। अब देखते हैं 2 इंटू 2, 3 क्या होता है, 6, 6 तो 6 का क्यूब होता है 216, राइट? तो इसीलिए हमने 6 का क्यूब कर दिया इसको। नाउ 3 ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी, तो ए क्या हो गया, ए का स्क्वायर और बी, बी क्या है, 1/6 है, बी 1/6 और ये है 3, पूरे का क्यूब लिख दो ना ऐसे, सो दैट कन्फ्यूजन नहीं होगा। माइनस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 ए बी स्क्वायर, तो ए है 3p और बी है 1/6 का स्क्वायर, राइट? सो इट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, सो इट इज 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, राइट? This is the answer, A minus B का whole cube. Thank you so much guys for watching my video. In my next video, I will discuss question number 9. Thank you. Please share my videos with your friends and you can find my videos according to the playlist. So please find it. Thank you.